राशिद किचन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एक खास रेसिपी, वाइट ग्रेवी में शाही कोरमा पनीर। इस रेसिपी को हमने शाही अंदाज में बनाने की कोशिश की है। आइए तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी, वाइट ग्रेवी में शाही कोरमा पनीर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज ग्रेवी बनाने की। इसमें लिया है हमने एक गिलास पानी, गैस की फ्लेम को तेज कर लिया है और इसमें डालते हैं हमने इस तरह से रफ चॉप करके प्याज रखी हुई थी, इसको हम इस पानी में डाल देते हैं। इसके बाद हम डालेंगे कुछ लगभग 4 से 5 इस तरह से लहसुन। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 2 हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े सी मसाले, ये हमने डाली है दालचीनी की लकड़ी, छोटी इलायची, और इसमें आप देख सकते हैं कि काली मिर्च है, शाही जीरे भी हैं, रेड चिली के कुछ बीज भी हैं, इसको भी हम अपने इसमें डालते हैं। और हमने कुछ शाही टेस्ट के लिए डाले हैं कुछ काजू। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आपको भी उसकी आवाज़ ज़रूर आ रही होगी पानी की, ये गए काजू। इसके अलावा हमने लगभग 8 से 10 बादाम लिए हैं, इसको भी हम डालते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पास वाइट तिल भी है, इसको भी हम 2 टीस्पून वाइट तिल भी डाल देंगे। और एक और इंग्रेडिएंट का हमने यूज़ किया है गरीका, और ये हैं खसखस दाने, इसको भी हम अभी डाल देते हैं और इसको अब चला लेते हैं। वेट करेंगे प्याज के सॉफ्ट होने का और लगभग 5 मिनट के लिए इसका ढक्कन ढक देते हैं, कवर कर देते हैं। और हम देखते हैं अब इसको, पानी बहुत अच्छी तरह से खोलने लगा है, प्याज भी ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसको इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। और अब हम इसको इस तरह से छन्नी में छान लेते हैं। और अब इसका पानी हम अलग कर देंगे और ये जो हमने छान के निकाला हुआ था, और अब इसमें से जो हमारे गरम मसाले हैं इस तरह से इसको हम बाहर कर लेते हैं। और पूरे मसाले निकालने के बाद ये जो इस तरह से बादाम है इसके हम छिलके निकाल लेंगे और इसको हम इस तरह से करके ग्राइंड कर लेंगे। और ये हमने पूरा ग्राइंड कर लिया है ग्राइंडर से। इसके बाद हमने अपने ग्राइंडर में दही लिया है, तब इसको भी हमने इस मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, और आप चाहेंगे तो दोनों एक साथ भी ग्राइंड कर सकते। और अब इसमें हम डालते हैं 2 चम्मच ऑयल, गर्म हो जाने देते हैं, और इसमें डालते हैं 1 चम्मच बटर। और अब इसमें जो ग्राइंड किया हुआ था मिक्सचर ओनियन का, मसालों का, उसको हम इसमें डाल देते हैं। और इसके साथ में ग्राइंड हमने किया हुआ था दही, इसको भी साथ में ऐड कर देते हैं। ये हमारी करी का बेस हो गया। और अब हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी हम नमक यूज़ करते हैं उतना नमक लेंगे। मैंने 1/2 चम्मच नमक यूज़ किया है। और अब इस करी को ढककर लगभग 15 मिनट के लिए कवर करते हैं पैन को। चलिए अब देखते हैं 15 मिनट बाद बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी फ्लेम तेज़ करते हैं। और अब इसमें डालते हैं 1 कप दूध, अच्छी तरह से चला लेंगे। और इसमें थोड़ा सा हम सौंठ पाउडर डालेंगे, क्योंकि हमने अदरक का यूज़ नहीं किया था इसलिए हमने सौंठ का यूज़ किया है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा सब्ज़ी में। और अब हम इसमें ऐड करते हैं 2 चम्मच शक्कर, ये 1 चम्मच,
और ये दूसरी चम्मच। इसको चला देते हैं और अब एक बार फिर से पैन कवर करते हैं 5 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं ग्रेवी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई है। अब इस स्टेज पे हम थोड़ी सी इसमें मलाई ऐड करते हैं। इतनी मलाई ली है, फ्रेश मलाई है। मलाई डालने से थोड़ा सा कलर और उभर कर आएगा, टेस्ट भी आएगा इसका। और अब इसको हम कंटिन्यू चलाते हैं, फ्लेम हमारी हाई है। और इसके बाद हमने पनीर के क्यूब इस तरह से काट के रखे हुए थे और अब इनको डालने का भी सही समय आ गया है। इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं ग्रेवी में। ये पनीर हमने कच्चे यूज़ किए हैं, आप चाहें तो इसको फ्राई करके, रोस्ट करके, जैसे भी आप पसंद करते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल कच्चे पनीर जब इसमें ऐड होंगे तो इसका टेस्ट कुछ अलग ही आएगा। और कवर करते हैं थोड़ा सा, गैस की फ्लेम हमने लो कर दी है और अब पैन का कवर ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, पनीर भी बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। और अब इसी स्टेज पर गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और हमारा ये पनीर प्लेटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए तो हम इसको निकालते हैं एक बाउल में। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से ग्रेवी तैयार हुई है और पनीर भी बहुत अच्छी तरह से ग्रेवी में एब्जॉर्ब हो गए हैं। और ये हमारी बाउल तैयार हो गई है। थोड़ा सा गार्निशिंग करते हैं, इसमें डालते हैं थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और डालते हैं कुछ हरी धनिया। और ये पूरी तरह से तैयार हो गई है खाने के लिए। तो देखा दोस्तों, हमने कितनी आसानी से ये रेसिपी बना ली। दिखने में बहुत मुश्किल थी लेकिन जब हमने बनाई तो बहुत आसान सी लगने लगी। वाइट ग्रेवी एकदम हटके और उसमें जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स, जो भी मसाले, जो भी हमने और भी चीज़ें डाली वो भी ज़रा सी हटके, इसका टेस्ट भी बहुत अलग रहेगा। एक बार घर में आप जब इसको बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि ये रेसिपी भी हमारी दूसरी रेसिपी की तरह ज़रा सी हटके है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ वो बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे जितने भी आने वाले वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।